आज हम स्पार्कल में किस तरह से वीडियो बनाया जाता है उसके बारे में मालूमात हासिल करने वाले हैं। तो स्पार्कल के ये 7 टूल हैं। सबसे पहले स्पार्कल को शुरू किया जाए, उसमें इस तरह से ये स्क्रीन नजर आएगी। ये पहला टूल है हमारे प्रोजेक्ट को सेव करने का। ये दूसरा टूल है स्पार्कल स्लाइड में इमेज ऐड करने का। ये तीसरा टूल है टेक्स्ट ऐड करना। ये चौथा टूल है म्यूजिक का इंसर्ट करना। और ये पांचवे टूल से हम हमारा वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये छठे टूल से हम पेपर ऑप्शंस बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। और ये सातवें टूल से हम हैंड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम आज देखते हैं कि किस तरह से टेक्स्ट इंसर्ट किया जाए। टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए टेक्स्ट वाले ऐड टेक्स्ट वाले टूल को शुरू किया जाए। आपको इस तरह का मैसेज आएगा, तो हम यहां पर टाइप करते हैं वेलकम। यहां जो नजर आ रहा है F, इससे हम इस टेक्स्ट के फॉन्ट्स चेंज कर सकते हैं। इस तरह से फॉन्ट्स हमारे डिफरेंट फॉन्ट्स आएंगे, हम इसको चेंज कर सकते हैं। इसे कट कर देते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं कि वापस हम आ चुके हैं। यहां पर इस टूल से हम टेक्स्ट का कलर बदल सकते हैं। हम इसमें से कोई भी कलर चॉइस कर सकते हैं, तो हम ये पिंक कलर चॉइस करेंगे और इसको राइट करेंगे। ये हमारी स्लाइड पर आ चुका है। हम इसको इस तरह से पकड़कर बड़ा और छोटा कर सकते हैं, और यहां पर पकड़कर हम इसको इसका एंगल चेंज कर सकते हैं। इस तरह से हम इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे। अब हम इसको चलाकर देखते हैं। ये पहला स्लाइड इस तरह से चलेगा। अगर हमको कुछ करेक्शन करनी है तो हम इसमें यहां पर करेक्शन कर सकते हैं। यह है एनिमेशन का ड्यूरेशन है, बढ़ा सकते हैं या हम कम भी कर सकते हैं। ये पॉज टाइमिंग है कि कितनी देर तक वो रुका रहा है सामने। ये सेकेंड स्लाइड का ट्रांजिशन का टाइमिंग, अगर हमारे टेक्स्ट में कुछ गलती हो जाए तो हम यहां से उसे दुरुस्त कर सकते हैं। यहां से हम टेक्स्ट में शैडो ड्रॉप कर सकते हैं, इनर शैडो, आउटर शैडो और लेवल। यहां से हम इसका एंगल बढ़ा सकते हैं, यहां से कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। यहां से हम हैंड टूल है इसका राइटिंग का पोजीशन भी हम चेंज कर सकते हैं, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड, ये विदाउट हैंड और ये कीड़े के जरिए से और ये कैमरे के जरिए से हम इसको कर सकते हैं। ये प्रीव्यू अपने को दिखाएगा, राइट। फिर हम इसको राइट कर देंगे। ये हमारा एक स्लाइड तैयार हो चुकी है। हम इसे यहां पर से प्ले कर भी देख सकते हैं या फिर हम यहां से इसको पूरा प्ले करके देख सकते हैं। अब हमको दूसरी स्लाइड इसमें इंसर्ट करनी है, तो फिर से हम जाएंगे टेक्स्ट पर। टेक्स्ट के बाद हम को जो राइट करना है वो राइट करेंगे। फिर यहां से हम उसके फॉन्ट्स चेंज कर सकते हैं।
यहां से कलर चेंज कर सकते हैं। हम कलर चेंज करेंगे, राइट। ये हमारी सेकंड स्लाइड है, क्योंकि ये ओवरराइट हो रही है इसलिए हम इसको हटाकर इसको बड़ी करते हैं। यहां पकड़ के हम उसको बड़ी और छोटी कर सकते हैं। अब हम इसका प्रीव्यू देखेंगे। चूंकि ये एक ही स्लाइड पर आ रहे हैं इसलिए हम इसको अगर पकड़कर दूर कर देंगे तो ये स्लाइड से दूर चली जाएंगी, नजर नहीं आ सकती। फिर हम इसको प्ले कर देखेंगे। इस तरह से ये होगा। अब हमको इस स्लाइड को सेव करना है तो इस तीर के निशान से और इस टूल से हम इसको सेव कर सकते हैं। उसको प्रेस कीजिए, इस तरह से डायलॉग बॉक्स आएगा। अक्सर हमसे गलतियां हो जाती हैं, ये पावर पॉइंट इमेज बनेगा, ये बनेगा फेसबुक पर जाएगा और ये यूट्यूब के लिए बनेगा। हमको सेव करने के लिए इस बटन पर, इस टूल पर प्रेस करना है। हम प्रेस करेंगे, यहाँ इसका नाम देंगे, यहां हम चेंज कर सकते हैं फॉर्मेट, ये फॉर्मेट से यहां उसको हम साइज को भी हम उसकी बदल सकते हैं, HD फुल HD साइज। इसको ओके करते हैं। क्योंकि मैंने फुल HD की कमांड दी है इसको, इसलिए इतना ज्यादा वक्त लेता है। इस तरह से हम इसका इस्तेमाल करके वीडियो तैयार कर सकते हैं।